गिन गिन के बस 2 ही दिन हुए हैं मुझे ये विंडो साफ़ किए हुए, और देखिए 2 दिन में इसका हालत, ये पीछे से पूरा डस्ट आके चिपक चुका है। और संजू ने जो घास मारने वाला दवाई उस दिन छिड़का था ना, देखिए पूरा घास जो है वो पूरा ड्राई हो गया है, बस इसको अभी आग लगाना है तो यहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं विजेस वंडर लाइफ का एक और नया ब्लॉग। संडे का दिन है तो संजू समारा दोनों घर पर ही है, और आज मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आज क्लीन करनी है, क्योंकि कुछ ही दिन का बात है मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग, स्माइल। वेल, संडे ही ऐसा दिन होता है जब समारा को थोड़ी देर ज़्यादा सोने को मिल जाता है। मैं यहाँ पर चाय बिठा रही हूँ एंड चलते चलते कुछ सुबह से रिलेटेड काम भी मैंने यहाँ निपटा लिए हैं, जैसे मशीन लगा दिया है, कल मंडे है तो समारा के यूनिफॉर्म वगैरह भी वॉश हो रहे हैं, प्लस किचन के ना छोटे मोटे से कुछ काम पेंडिंग थे वो सब मैं कर रही हूँ, जैसे कि मसाला भर रही हूँ, जो भी जार फिल करने हैं वो रिफिल कर दे रही हूँ, क्योंकि ना आज ब्रेकफास्ट बनाने का जो झंझट है उससे मैं आज फ्री हूँ, क्योंकि संजू ने बोला है पास ही में एक नया रेस्टोरेंट खुला है वहाँ साउथ इंडियन डिश कुछ मिलता है तो वही सब लाने वाले हैं, लेट्स सी कैसा होता है। हमारे किचन में ना सेम टू सेम दिखने वाले ऐसे काफ़ी सारे मसाले होते हैं जिसमें आप प्रॉपरली अगर लेवलिंग ना करें तो सच्ची में यूज़ करने के टाइम ना कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि मैंने इसमें ना अमचूर पाउडर डाला है, और कभी कभी ना अमचूर पाउडर का कलर कुछ दिन बाद ऐसा चेंज हो जाता है ना तो लगने लगता है कि वो धनिया पाउडर है। मेरे साथ ये काफ़ी टाइम हो चुका है, तो टाइम तो था हाथ में तो मैंने सोचा क्यों ना जार में लेबलिंग वगैरह भी कर लूँ लगे हाथों। एक्चुअली कुछ ही दिनों की बात है, मेरे कजन्स भी आ जाएंगे तो घर में ना अभी एक्चुअली बहुत सारा काम बाकी है। एक रूम मुझे प्रॉपर अलग सा सेट करना है जिसमें वो लोग अपना टाइम स्पेंड कर सके, रेस्ट कर सके, एक कॉमन रूम मुझे सजाना है प्रॉपरली जिसमें हम सब मिल के बैठ पाए। हमारे रूम तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन वो करना पड़ेगा टाइम रहते ही। चलिए, बात करते करते हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया। गर्मा गर्म चाय भी यहाँ बन चुका है तो चाय लेके मैं जाने वाली हूँ टीवी रूम में, क्योंकि संजू समायरा दोनों वहाँ वेट कर रहे हैं बेसब्री से ब्रेकफास्ट के लिए। देखिए पापा और बेटी का मस्ती शुरू। वेल, आज तो लग रहा है सारा का सारा साउथ इंडियन डिश हमारे घर में ब्रेकफास्ट के लिए प्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले चटनी निकला, ये मेंदू बड़ा और गरम गरम सांभर भी है, और मसाला डोसा लेकर आए हैं संजू, और इसके साथ इडली भी लेकर आए हैं, क्योंकि सांभर इतना गर्म था मैंने सारे जो इडली थे उसके अंदर डिप करके रखे थे, और यहाँ चटनी के अंदर मैंने जो मेंदू बड़ा आए थे वो भी डिप करके रखा, क्योंकि मुझे ऐसे करके खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए देखते हैं मसाला डोसा कैसा आया है। सेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ब्रेकफास्ट तो नहीं बनाया लेकिन आज लगता है बर्तन भी कम निकलेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो फॉइल पेपर थे ना हम उसी के ऊपर ही खाना खा ले रहे हैं, प्लेट्स की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश करते ही समायरा को थोड़ा सा मैंने स्टडी लेकर बिठा दिया। देखिए समायरा और मेरा बिल्कुल मैचिंग राखी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले रक्षाबंधन गया है, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए बहुत छोटा सा ही हमने ओकेजन किया था। संजू को समायरा ने बांधा, समायरा ने हम दोनों को बांधा, कुछ इसी टाइप से हमने सेलिब्रेट किया हमारा रक्षाबंधन। इतना जल्दी नेल्स कैसे बड़े हो जाते हैं आप? क्या अभी तो काटा था कुछ दिन पहले। चलो वॉटर लिखो। सो आज शाम को ना थोड़ा बाहर निकलने का प्लान अचानक से ही बन गया, ऐसा कोई प्लानिंग था नहीं बट अचानक से बन गया, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी मुझे हाथ चला के लंच बनाना पड़ रहा है। आज अरबी और एग का एक करी बनाने वाली हूँ। अरबी मेरे घर में सिर्फ मेरे लिए आता है, संजू उतना नहीं खाते हैं, उनको पसंद नहीं है, समारा और मैं ही खाते हैं। तो एक छोटे से ब्रश के हेल्प से ना मैं उसको अच्छे से ना जो उसके ऊपर मिट्टी थी उसको मैं निकाल ले रही हूँ। देखिए बहुत मिट्टी वाला पानी निकल रहा है, बहुत अच्छे से इसको साफ़ करना पड़ता है। और एक मज़ेदार बात यहाँ शेयर कर रही हूँ,
जब भी मैं अरबी वॉश करती हूँ मेरा हाथों में इतना ज़्यादा खुजली स्टार्ट हो जाता है ना, और मैंने तो सुना है किसी किसी को गले में भी खुजली स्टार्ट हो जाता है। हमारे इधर कोचू बोलते हैं, कोचू वाला कोई भी आइटम आप खाओगे ना तो गले में वो खुजली करना स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं अगर आप इसको बॉयल करें, और बॉयल करने के टाइम थोड़ा सा ना इमली अगर उसमें डाल देते हैं ना तो जो खुजली वाला जो इसका प्रॉपर्टी है ना वो नहीं होता। देखिए हाथ खुजलाना शुरू हो गया मेरा। अरबी मेरे लिए और संजू के लिए आलू, तो दोनों को मैं अभी थोड़ा बॉईल करने के लिए बिठा दे रही हूँ। जो इमली था उसको थोड़ा सा ना मैं मसल के इस पानी में डिसॉल्व कर दे रही हूँ ताकि ये काम करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दे। इंडक्शन में मैंने अंडे भी बिठा दिए हैं बॉईल होने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं लंच बनने में, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे मसाले जो है वो फ्रिज में मेरा रेडी रहता है, जस्ट मुझे प्याज ही कट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर देखिए मेरे कपड़े भी वॉश हो गए हैं, अभी मैं एक एक करके सभी कपड़ों को स्पिन कर लूँगी। सभी उन फ्रेंड्स का जो पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं आप सभी का वेलकम है, एंड सभी उन फ्रेंड्स जो अभी तक मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं उन सब का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स देन प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और ब्लॉग कैसा लगा ये लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताना भी ना भूलें। अभी बारी आती है इस 20 से 30 साल आई गेस पुराने वुलन कर्टन को साफ करने की, क्योंकि ये वाला कर्टन मेरी मम्मा ने अपने कॉटन लाइफ में बनाया था एंड मेरा ये सच्ची में बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं ये इस बार लेकर आई थी अपने साथ, तो उसी को ना मैं पहली बार वॉश कर रही हूँ। इस घर में जब से आया है वो पहली बार ही वॉश हो रहा है। बिल्कुल गुनगुना सा गर्म पानी किया है और उसमें इजी मैंने डाला है, क्योंकि ये किचन में ही यूज़ होता है ना तो इसमें थोड़ा ऑयल भी चिपक गया है। थोड़ी देर में इसको डिप करके रखूँगी। चलिए यहाँ हमारे पटैटोज एंड अरबी भी बॉयल हो चुके हैं। जब भी आप बहुत गरम गरम आलू या कोई भी ऐसा चीज़ पिल करना चाहते हैं ना तो फोक की हेल्प से आप बहुत इजीली उसको पिल कर सकते हैं। देखिए आपके हाथ में गर्म भी नहीं लग रहा है और इजीली आप इसको पिल भी कर पाएंगे। ये एक छोटा सा टिप था जो कि मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ। सारे जो आइटम है वो लंच के लिए बिल्कुल रेडी करके रख दिया है। लगे हाथों ना आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ना लोग दिखा रहे हैं टी स्टेनर से विस्क करके कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं। मैंने भी इस बार ट्राई किया और यकीन मानिए फर्स्ट टाइम इतना टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी बना है ना क्या बताऊँ। ज़रूर ट्राई कीजिए, इसका शॉट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं उसको। ये वुलन कर्टन मुझे हमेशा मम्मा का ही याद दिलाता है, और इसको वॉश करने के टाइम ना मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, बट फाइनली इसको मैंने बहुत ही लाइटली अच्छे से वॉश करके निकाल लिया है। वेल कढ़ाई में तेल गरम हो चुका था, जो भी अरबी और आलू मैंने पिल ऑफ किए थे उसको मैंने कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में, और एक एक करके सभी आइटम मैं फ्राई कर ले रही हूँ। एग्स को फ्राई करने के टाइम आप अगर थोड़ा सा ना उसके ऊपर हल्दी छिड़क देते हैं ना तो बहुत प्यारा सा कलर निकल के आता है। दूसरे कढ़ाई में मैं जीरा डाल रही हूँ, और यहाँ पर बारीक कटा हुआ अनियन डाल रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ, हल्दी नमक जो भी मसाले जाने के लिए होते हैं नॉर्मली वो सब मैं डाल दे रही हूँ। यहाँ पर जीरा और धनिया पाउडर भी डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा मसाला भुन जाने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च और टमाटर भी डाल दे रही हूँ। टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा खट्टा टेस्ट में ही चाहिए, और टमाटर डालने के बाद ही मैं नमक ऐड करती हूँ। और अभी सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। फाइनली जो भी कटे हुए हमने आलू और अरबी रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें पानी, थोड़ा सा उबाल आ जाएगा ना इसके बाद मैं इसमें अंडे ऐड कर दूँगी। आज इतना जल्दी जल्दी हम सभी ने लंच फिनिश किया ना क्योंकि हमें बाहर जाना था, हम ये वाला चांस तो कभी भी मिस नहीं करते हैं। एक्चुअली हम सभी अभी रेडी हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा बाहर जाके मुझे फ़िश लेना है समारा के लिए, क्योंकि कुछ ही दिन में ही उसका बर्थडे भी आ रहा है और उसको मुझे खाने में फ़िश भी परोसना है। जल्दी से रेडी हो गए कहीं बाहर जाने में समारा, और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है भले ही और किसी चीज़ में टाइम लगे ना लगे। पापा,
बाइक पे बैठते ही कहीं जाने के टाइम समायरा पूरे रास्ते में पक 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 करते ही जाएगी, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके। या फाइनली हम लोग फिश मार्केट में आ गए हैं, संजू यहाँ फिश ले रहे हैं। देखो तुम्हारे नाम का दुकान है संजय एग एंड फिश स्टोर। शॉपिंग करने के बाद हाथ में कटोरा लेके हम लोग बैठ गए हैं गोलगप्पे वाले के सामने। यहाँ का मीठा मीठा गोलगप्पा ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक ना नया शॉप खोला था, बेकरी शॉप था दयाल हाउस, तो फर्स्ट टाइम ही ये गए थे हम लोग यहाँ पर, ये नया ही खुला है। तो मुझे जस्ट चेकआउट करना था कि यहाँ केक वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। समायरा के बर्थडे के लिए केक ऑर्डर करने से पहले मुझे यहाँ का कुछ आइटम ट्राई करके देखना था, सो दैट ना एक मोटा मोटा सा मुझे आइडिया हो जाए कि यहाँ पर केक कैसा मिल सकता है। तो केक तो यहाँ का बहुत बढ़िया था, हमने कुछ वहाँ पर खड़े होकर ट्राई भी किया और कुछ आइटम हम घर पे भी लेकर आए। बट इस शॉप का एक ही ड्रॉबैक था कि ये हमारे घर से बहुत दूर था और यहाँ पर प्राइस भी मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा। एक केजी का प्राइस ये लोग 1000 से 900 रुपीज़ बता रहे थे। तो कुछ छोटे छोटे से हमने आइटम यहाँ से लिए सो दैट हम घर जाके उसको ट्राई कर पाएँ। ओवरऑल इस बेकरी शॉप में आपको बेकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमने काफ़ी कुछ यहाँ से लिया सो दैट हम घर जाके इसको ट्राई कर सके। अभी मैं आपको घर जाके इसका रिव्यू देने वाली हूँ। तो हमने आज लिया है रसमलाई पुडिंग और काजू पुडिंग। मुझे काजू पुडिंग तो उतना अच्छा नहीं लगा बट रसमलाई वाला पुडिंग बहुत ही टेस्टी था। एंड कुछ क्यूट क्यूट ना छोटे छोटे से कपकेक्स भी लिए, जो कि एक तो हमने खा लिया और एक मैंने बचा के रखा है सो दैट मैं समारा को कल स्कूल में दे सकूँ टिफ़िन में। ओवरऑल जितने भी आइटम हम आज घर पे लेकर आए वो एक तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था उसका और उसकी फ्रेशनेस ना आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इस वाले आइटम का नाम था फ्रूट क्रीम और सीरियसली इसके बारे में नहीं बोलूँगी तो नहीं चलेगा, बहुत ही टेस्टी था। व्रत में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो भी बंगाली फ्रेंड्स देख रहे हैं, अगर आप छिन्नी प्रसाद मिस कर रहे हो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। सो या फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में कुछ इतना ही, हम बहुत ही जल्द एक और ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।